नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर से गुजर रहा है। आज अंतिम और सातवां चरण है और यहां पर अगर देखा जाए तो 9 जिलों की 54 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक होगा। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर सिर्फ 4 बजे तक ही मतदान होना है, ये संवेदनशील सीटें बताई जा रही हैं। यहां पर जो सबकी नजरें हैं वो वाराणसी पर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, बहुत लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ किया था और यहाँ पर लाखों की भीड़ देखने के लिए मिली थी। तो अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो निकाला गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी गए, वहां पर पूजा अर्चना की। इसके अलावा जो और सीटें हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। अगर देखा जाए तो 9 जिलों की 54 सीटें ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर ज्यादा नजर बनी हुई है। इसमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और मऊ ऐसी सीटें जो सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं। चंदौली, मिर्जापुर, भदोई, सोनभद्र, यहाँ पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। ऐसे में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की कवरेज भी लगातार जारी है। अलग अलग सीटों से तमाम जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इन 54 सीटों में से साल 2017 में भाजपा ने 29, सपा ने 11, बसपा ने 6, अपना दल 4 और सुभाषपा 3 और निषाद पार्टी 1 सीट पर जीती थी। सुभाषपा और सपा गठबंधन के साथ इस बार मैदान में हैं और ऐसे में देखा जाए तो भाजपा ने 54 में से 29 सीटें जीती। जब लहर थी 2017 में, लहर मानी जाती है बीजेपी की, उसमें कहीं ना कहीं सपा जो है 11 सीटें निकालने में कामयाब रही थी। ऐसे में इस बार देखा जा रहा है कि सपा का वर्चस्व और ज़्यादा हो सकता है। बीजेपी की मुश्किलें इन 9 जिलों में बढ़ रही हैं, लेकिन बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। साम दाम दंड भेद के साथ तमाम जो बड़े चेहरे थे वो चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। तमाम जनसभाएं, जन सैलाब जो है रोड शो में उमड़ पड़ा था। तो ऐसे में अब देखना ये है कि यहाँ की जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है। ऐसे में तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इससे पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और धीरे धीरे करके मतदाताओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखा जाए तो शाम 6 बजे तक उम्मीद ज्यादा है कि जो वोटिंग परसेंट हमें पिछले 6 चरणों में देखने के लिए मिला था, वही वोटिंग परसेंट जो है हमें इस चरण में भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ये जो सीटें हैं ये इतनी महत्वपूर्ण हैं और इतनी संवेदनशील है कि यहाँ पर हमने देखा था कि 2017 में कई जगह से हिंसक तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन इस बार पिछले 6 चरणों में ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। हालांकि इक्का दुक्का जगह से ईवीएम खराब होने पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया और एक एक घंटा, दो दो घंटा मतदाताओं को लाइन में लगना पड़ा, लेकिन कोई भी हिंसक तस्वीर सामने नहीं आई है। ऐसे में उम्मीद है कि आज जो आखिरी चरण है, जो फाइनल राउंड है आज का, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगा। तो सातवां चरण यूपी का आखिरी चरण है और आज शाम से ही जो एग्जिट पोल्स है वहां पर किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, किसकी नहीं बनती नजर आ रही है, किसके ज्यादा सीटें मिल रही हैं, किसको नहीं मिल रही है, तमाम जो विशेषज्ञ हैं, जो गुणागणित करते हैं, वो अपने अपने जो कार्ड्स हैं वो खोलते हुए नजर आएंगे। तो जौनपुर से ऋषु और मऊ से आसिफ रिजवी मेरे साथ जुड़ गए हैं और सबसे पहले आसिफ का मैं रुख करूंगी। आसिफ, मऊ में कैसी तस्वीरें नजर आ रही है? जी, आपको बता दें कि मऊ में जो है काफी लोग उत्सुक हैं वोट देने के लिए। सुबह से 7 बजे से ही जगह जगह लाइनें लग चुकी है। मऊ में जो कुल मतदाता है वो 16,99,993 मतदाता हैं और जिसमें महिला की अगर हम बात करें तो 7,95,438 महिलाएं हैं और पुरुष की हम बात करें कि 9,468 पुरुष है जो वोट देने के लिए मऊ में उत्सुक है और लगातार जो है लोगों की जो है लाइन लगी हुई है। अगर हम मऊ सदर की बात करें तो मऊ जो सदर सीट है वो सबसे हॉट सीट मानी जाती है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और अशोक सिंह, ये काफी टक्कर देखने को मिल रही है। जी,
बिल्कुल। और इसके अलावा आम जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुख्तार अंसारी जेल में है, उनके बेटे अब्बास अंसारी मैदान में है, और इसके साथ साथ देखा जाए तो अभी एक वीडियो भी आया था, हमने चलाया भी था अपने चैनल पर, और देखा था हमने किस तरह से अब्बास अंसारी जो है वो कहीं ना कहीं अमर्यादित टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि इस 6 महीने में अगर सरकार आती है तो किसी की भी घर वापसी नहीं होगी और पूरा हिसाब किताब यही लिया जाएगा। इसका असर कितना जनता पर पड़ रहा है आपको बता दें कि जब ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद जो है सरकार ने एक्शन में आई है और जो लोग हैं वो काफी उत्सुक है, लेकिन इसमें जो सरकार का जो रोल था तो वो काफी अच्छा दिखने को मिला। 24 घंटे के लिए प्रचार प्रसार जो है रोक दिया गया था अब्बास अंसारी का। जी बिल्कुल। और मऊ जिले के 1, 2, 3, 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों ही महत्वपूर्ण हैं। अगर मधुबन से हम बात करें तो यहाँ पर रामविलास चौहान को मैदान में उतारा है भाजपा ने, और सपा ने उमेश पांडे, बसपा ने नीलम कुशवाहा, और कांग्रेस ने अमरेश चंद पांडे को उतारा है। इनके बीच कांटे की टक्कर ज्यादा किसके बीच है? जी आपको बता दें कि जो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है यहाँ रामविलास चौहान है, और उसके बाद क्योंकि बीजेपी से भरत भैया जो थे उनका टिकट नहीं मिलने की वजह से वीआईपी टिकट वीआईपी पार्टी से उन्होंने जो है टिकट लिया, और फिर उसके बाद बीजेपी को हराने के लिए टूट चुके और लगातार जो है पूरा दल बल से, क्योंकि जमीनी स्तर के भरत भैया जो माने जाते हैं वो नेता है, तो कहीं ना कहीं इसका चौहान इसका जो है नुकसान जो है रामविलास चौहान बीजेपी को झेलना पड़ सकता है और बीएसपी इसमें कड़ी टक्कर देगी। जी बिल्कुल आसिफ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मऊ सदर से भाजपा ने अशोक सिंह को मैदान में उतारा है, और सुभाषपा अब्बास अंसारी, बसपा भीमराज पर, और कांग्रेस माधवेंद्र सिंह। तो ऐसे में देखा जाए तो कांटे की टक्कर भाजपा और सुभाषपा के बीच है, या फिर बसपा भी यहां पर सेंधमारी कर सकती है? अगर हम मऊ सदर की बात करें तो मऊ सदर में लगातार 5 बार से बाहुबली मुख्तार अंसारी यहाँ से विधायक है, तो वहीं उनकी कमान संभाल रहे अब्बास अंसारी जो है यहाँ से लगातार पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना एक बार उनकी विवादित बयान भी आया था जिसको लेकर के उन्होंने 6 महीना अधिकारी का ट्रांसफर रोकने की बात की थी, तो उसके बाद जो है चुनाव आयोग का एक्शन भी देखने को मिला था। अगर हम मऊ वोटरों की बात करें तो अब्बास अंसारी जो है यहाँ से लगातार जो है अशोक सिंह को टक्कर देंगे, यहाँ कोई त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा देखा जाए तो मऊ सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और देखा जाए तो यहाँ पर कांटे की टक्कर भाजपा और सुभाषपा के बीच है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी यहाँ पर मैदान में है, लेकिन जिस तरह की कथित टिप्पणी उन्होंने की थी उसके बाद जनता का रुख क्या कहता है आसिफ? अरे जनता में तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इससे नाराज भी दिखे थे, लेकिन ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा क्योंकि चुनाव आयोग ने इस पर एक्शन लेते हुए लगातार जो है अब्बास अंसारी पर कार्रवाई की है। जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपका रुख करूंगी। ऋषु भी हमारे साथ बने हुए हैं जौनपुर से। ऋषु, जौनपुर का गुणा गणित क्या कहता है? पहले तो तस्वीर दिखाइए, कैसी तस्वीर है मतदान बूथों पर? ऋषु आपकी आवाज देखिए ईपी से ज्यादा दूर मत जाइएगा, आपकी आवाज मुझ तक फिर क्लियर नहीं आ पाती है। आप वहीं पर खड़े होकर बता दीजिए वहां पर किस तरह के हालात हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आम जनता के जौनपुर में। जी बिल्कुल, आपको बता दूं जौनपुर में कुल 9 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 121 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होना है, जो आज मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए करीब 25 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और 121 उम्मीदवारों के भाग्य को टटोलेंगे। तो वहीं यहां देखा जाए साहगंज विधानसभा में काफी ज्यादा दिलचस्प लड़ाई दिखाई दे रही है बीजेपी निषाद पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी, तो वहीं सपा में काफी ज्यादा दिलचस्प लड़ाई है। और रही बात जौनपुर के सदर से बात करें तो इधर से कांग्रेस की पार्टी की काफी ज्यादा दिलचस्प लड़ाई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और इसके अलावा ऋषु कौन कौन से मुद्दे आम जनता के जौनपुर में? जौनपुर मलही, मछली शहर, मड़ियाहू, जफराबाद, केराकत, ये सभी विधानसभाएं हैं, क्या हालात है यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये सभी विधानसभाएं में लोगों को विकास चाहिए और इस बार जाति पात पे नहीं बल्कि विकास मुद्दा पर वोट पड़ने वाला है।
और लोगों को कहना है कि जो बेरोजगार से बेरोजगार दूर करेगा वही उन्हीं को वोट जाएगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, विधानसभा में कुल 3948 पोलिंग बूथ बनाया गया है जहां पर 45 लाख से ज्यादा लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। और सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो जिला प्रशासन ने भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की है और लोगों ने अपने सुबह से ही मतदान केंद्र पर पहुंचकर मत का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया है। ऋषु, इसके अलावा तस्वीरें कैसी हैं, कितनी संख्या में मतदाता पहुंचे हैं, क्योंकि 7 बजे से मतदान शुरू हो